गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो क्या आपकी स्किन ड्राई है, डार्क सर्कल्स हैं आपको, अनइवन स्किन है, आप कितना भी कुछ अप्लाई कर लें आपकी स्किन अच्छी नहीं होती है। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मेकअप बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो मैं ब्लेंडर यूज़ करने वाली थी उसको मैंने कुछ टाइम के लिए पानी में डिप करके रख दिया है। और यहाँ पर मैं सबसे फर्स्ट जो प्रोसेस कर रही हूँ, मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस के ऊपर शीट मास्क। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है ग्लो शीट मास्क विटामिन ई, जो हमारी स्किन को ना टाइट करने का काम करता है, हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है, साथ ही साथ हमारी स्किन को एंटी एजिंग एंड एंटी रिंकल भी बनाता है। अगर आपको लगता है कि आपके हाथ भी थोड़े से ड्राई हो रहे हैं तो आप इसका सिरम हाथ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं मेरी स्किन ना कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है, आपको थोड़ी सी मेरी स्किन टाइट भी लग रही होगी। अब मैं इसके ऊपर मेकअप करूँगी तो जो मेरे मेकअप की लास्टिंग है वो ज़्यादा रहेगी। इसके बाद मैंने यूज़ किया है फेस मिस्ट, और आप सभी को पता है फेस मिस्ट हमारे फेस के ऊपर कितना अच्छा काम करता है, हमारी स्किन को हाइड्रेट करने का काम करता है और हमारे मेकअप को भी लास्टिंग देता है। इसके बाद मैंने अप्लाई किया है स्किन फॉर्मूला 9 का यूथ एलेक्सायर। जैसे कि आप नाम से ही समझ गए हैं, यूथ एलेक्सायर का काम है हमारी स्किन को यंग दिखाना, जो भी हमारे पोर्स है उसको कवर करना, साथ ही साथ हमारे मेकअप को ना काफ़ी देर तक हमारी स्किन पे लगा के रखना। यहाँ पर आपको पता है कि हमारे पास 3 टाइप के फाउंडेशन हैं। फाउंडेशन में 3 शेड्स से हमारे जो हमारी अनइवन स्किन को इवन करता है, सन से प्रोटेक्ट करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं 3 नंबर का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हम सभी के फेस पे डार्क सर्कल्स होते हैं, हमारे माउथ एरिए पे ब्लैकनेस होता है, तो इन सब चीज़ों के बहुत अच्छे से कवर करता है। ध्यान रखिएगा क्वांटिटी आपको बहुत कम लेनी है, और अगर आपको लगता है कि अगर आपको डबल से अप्लाई करना है तो आप रिपीट कर सकते हैं, मगर फर्स्ट टाइम में आपको बहुत कम फाउंडेशन यूज़ करना है। तो जैसे कि मैं 3 नंबर का फाउंडेशन यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, और आप देख सकते हो कि फाउंडेशन कितने ईजिली तरीके से ब्लेंड हो गया है, क्योंकि हमने यहाँ पर हमारी जो स्किन प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से की थी। हमने फर्स्ट अप्लाई किया था शीट मास्क, फिर हमने यूज़ किया था मिस्ट, फिर यूथ एलेक्सायर। तो आप देख सकते हो मेरी स्किन पे ना कितना ज़्यादा ग्लो है, और अब जो मैं प्रोडक्ट अप्लाई करूँगी वो मेरी स्किन पे काफ़ी देर तक भी रहेगा और मेरे स्किन पे ग्लो भी करेगा। और आप देख सकते हो मेरी स्किन में कहीं से कहीं तक अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगी 002 नंबर का फाउंडेशन, क्योंकि मुझे मेकअप का जो हमारा एप्लीकेशन है उसको एक कोट इनहेंस करना है, मतलब जो मेरा मेकअप बेस है उसको मुझे थोड़ा सा हैवी दिखाना है। मगर यहाँ पर अब मैं यूज़ करूँगी ब्लेंडर, जो आपने स्टार्टिंग में ही देखा था, मैंने इसको कुछ टाइम के लिए पानी में डिप करके रख दिया था। और कोशिश ये करना, जब आप शीट मास्क अप्लाई करें तो 15 से 20 मिनट के लिए अपने जो ब्लेंडर को उसको पानी में डिप करके रख दीजिए, और आप देख सकते हो फाउंडेशन कितने ईजिली तरीके से ब्लेंड हो रहा है। और मैंने 2 कोट अप्लाई कर लिए फाउंडेशन के, फिर भी मेकअप में हैवी लुक बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। अब यहाँ पर मैं 001 नंबर का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हल्का सा जो हमारा फेस है उसको ग्लो दिखाना है, वाइट दिखाना है। ये मेकअप आप किसी भी शादी में कर सकते हैं, अगर आपका पार्लर है तो आप किसी भी ब्राइडल के ऊपर इस तरीके से कर सकते हैं, इवन अब आप ग्लो देख सकते हैं फेस के ऊपर, और आपका जो मेकअप बेस है वो बहुत ज़्यादा हैवी दिखेगा और काफ़ी अच्छा दिखेगा। अब यहाँ पर मैं मिस्टर मिलान की जो 15 नंबर की लिपस्टिक्स है, जो डार्क ब्राउन है, उससे मैं अपने फेस के ऊपर कॉन्टोर करूंगी। जहां भी लगता है आपको अपने फेस को थोड़ा सा कॉन्टोर करना है आप वहां इसको यूज कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं लिपस्टिक क्रीमी है, बट जब हमारे फेस पे हमने प्रिपरेशन अच्छे से की, हमारी स्किन को नरिश अच्छे से किया है, तो ये बहुत अच्छे से हमारी लिपस्टिक भी ब्लेंड हो जाएगी। ध्यान रखिएगा मैंने थोड़ा सा क्वांटिटी ज्यादा लिया है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे ब्लेंड कैसे करना है, पर जब आप यूज करेंगे तो प्लीज ट्राई करिएगा कि लिपस्टिक की क्वांटिटी थोड़ा सा कम लीजिएगा। और मैं लिपस्टिक के बारे में आपको बता दूं, इसमें आपको बहुत अच्छे शेड मिल जाएंगे और ये शिया बटर के साथ मिलती है, तो आपकी स्किन को भी डैमेज नहीं करती और आपकी स्किन को भी ये हाइड्रेट करेगी। और आप देख सकते हो मेरी इस फेस में आपको अलग अलग पार्ट दिख रहा होगा, मेरा चीक अलग दिख रहा होगा, एंड मेरी नोज पे भी आप देख सकते हैं कि मैंने जब कॉन्टोर किया ना तो मेरी प्रॉपर नोज में आपको एक फिनिशिंग दिख रही होगी, शार्पनेस दिख रही होगी। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्पीड
बढ़ा दिया था क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा था, और काफ़ी लोगों को मैं देखती हूँ कि उन्हें शॉर्ट वीडियो में बहुत अच्छा मेकअप चाहिए, पर जब हम मेकअप करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप भी थोड़ा सा टाइम लेके अपने मेकअप को सेट कीजिएगा, और कोई भी ब्रश आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अब मैं अप्लाई कर रही हूँ मिस्टर मिलान का 001 ट्रू लुक कॉम्पैक्ट पाउडर, और गर्मियाँ अब स्टार्ट हो गई हैं तो गर्मियों में कॉम्पैक्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपका स्किन टोन जो भी हो आपकी स्किन में थोड़ा सा पसीना ज़रूर आता है। अब यहाँ पर मैं हमारा मिस्टर प्लान का आईब्रो ड्यू यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जब तक हम हमारी आईब्रोज़ को अच्छे से सेट नहीं करेंगे तब तक हमारा मेकअप अच्छे से नहीं दिखेगा, और जितनी ज़्यादा आप अपनी आईब्रो को शेप देंगे आपका मेकअप उतना ही ज़्यादा अच्छा दिखेगा। और आप देख सकते हो सिंगल कोट में मेरी आईब्रोज़ कितनी परफेक्ट दिख रही हैं। यहाँ पर अब मैंने हमारा 3-in-1 पैलेट का 001 फेस पैलेट लिया हुआ है, इससे मैं बिल्कुल टच करके ब्राउन कलर को एज अ ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि जो अभी ट्रेंड चल रहा है बिल्कुल लाइट कलर का चल रहा है तो ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। एंड इसके बाद यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ हमारी विलिनो की 11 नंबर लिपस्टिक, 11 नंबर क्रीमी लिपस्टिक, और इसी के साथ 008 नंबर की मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। और आपने हमेशा देखा होगा ये कलर मैं अप्लाई करती हूँ, ये कलर हमेशा से मेरा फेवरेट रहता है, डार्क एंड लाइट दोनों में जाता है। तो आप इससे मिक्स करते हुए कुछ भी शेड अपनी चॉइस से बना सकते हैं, और ये देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल शेड बन गया है। अब आई मेकअप की बारी आती है, तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ अपना मिस्टर मिलान का आई पैलेट। आप चाहो तो अपनी चॉइस से लाइट कलर कोई भी ले सकते हो, यहाँ पर मैंने ऑरेंज और पिंक कलर का लिया है 001 में से, बिल्कुल लाइट कलर मैंने यहाँ पर लिया है क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्मोकी कलर करने वाली हूँ। और सेम कलर को मैंने अपनी आईज लेट पर भी लगा लिया है, मैंने यहाँ पर हल्के हाथों से, ज़्यादा नहीं अप्लाई करना है, बहुत कम। इसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ अपना पेंसिल आईलाइनर, तो उसको वाटर लाइन से अच्छे से मिक्स करते हुए आपको अप्लाई करना है। ज़्यादा जितना आप बोल्ड लगाना चाहते हैं, अगर आपको बोल्ड लाइनर पसंद है, बोल्ड काजल पसंद है, तो आप बिल्कुल इसको अप्लाई कर सकते हो, और बहुत आराम से आपको यूज़ करना है ताकि आपका जो मेकअप किया हो वो ख़राब ना हो। और देखिए मैंने दोनों आईज़ पर बहुत अच्छे से इसको अप्लाई कर लिया है, और अब मैं यहाँ पर ब्रश की हेल्प से उसको ब्लेंड कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा जो बोल्ड लुक है वो ज़्यादा अच्छे से दिखे। और आप बिल्कुल हल्के हाथों से इसको ब्लेंड कीजिएगा, ज़्यादा रफली यूज़ मत कीजिएगा। और यहाँ पर अगेन मैं मिस्टर मिलान का ब्रश ही यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैंने पेन लाइनर से इसको लॉक कर लिया है, क्योंकि काफ़ी अभी गर्मियों में लोगों की प्रॉब्लम होती है, काजल हमारा फैल जाता है, ज़्यादा देर तक रहता नहीं है, तो मैंने पेंसिल काजल के ऊपर पेन लाइनर से इसको लॉक कर लिया है, तो दिन भर के लिए ये मेरा मेकअप लॉक हो जाता है। और पेन लाइनर की क्वालिटी आप सभी को पता है कितना अच्छा हमारा लाइनर है। इसके बाद हल्का सा कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लीजिए कि अगर आपका ज़रा सा भी कोई पाउडर आपकी स्किन पर गिरा हो तो क्लीन हो जाए। और आप देख सकते हो स्किन कितनी अच्छी लग रही है, आई मेकअप कितना अच्छा लग रहा है, और बेस कितना परफेक्ट दिख रहा है बिल्कुल। और हमने यहाँ पर तीनों शेड यहाँ पर यूज़ किए हैं, फिर भी हैवीनेस बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अब लास्ट में आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली यहाँ पर मस्कारा अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने शो टाइम मस्कारा यूज़ किया है, एंड ये मेरा फाइनल